कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बेसन के लड्डू बनाने जा रहे हैं। हलवाई स्टाइल है फ्रेंड्स, इसकी सामग्री देख लेते हैं। 700 ग्राम बूरा चीनी है और 500 ग्राम बेसन है, 300 ग्राम डालडा घी है और 1 टीएसपी इलायची पाउडर है। फ्रेंड, गैस चला लेते हैं और बेसन भून लेते हैं। बेसन को लो मीडियम फ्लेम पे ही धीमी आंच में ही भूनने से अच्छा रहता है और इसे कम से कम 30 से 40 मिनट तक धीमी आंच में भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसको घी से भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। बेसन डाल देते हैं और इसको भून लेते हैं। फ्रेंड्स, दिवाली का त्यौहार आने वाला है तो उसमें मिठाइयों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये लड्डू बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब 40 से 45 मिनट भूनने के बाद अब ये बिल्कुल पतला हो चुका है। फ्रेंड्स देखिए, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और अब ये भून चुका है। बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, अब ठंडा हो चुका है तो इसमें बूरा चीनी और इलायची डाल देते हैं। और इसको मिक्स अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर लड्डू बनाकर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अभी ये मिक्स हो चुका है, अब लड्डू बना लेते हैं। तो चलिए आपको लड्डू बनाना बताते हैं। दोनों हाथ में थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे और बना लेंगे लड्डू। Thank you.
लड्डू बन के तैयार हैं। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो फ्रेंड कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।